हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ, फाइनली मैंने देख लिया ड्रीम गर्ल 2 मूवी। इस मूवी के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन अफसोस इतना मज़ा नहीं आया। सो चलिए चलते हैं अब इस मूवी की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इसके स्टार कास्ट की बात करते हैं। स्टार कास्ट वही पुरानी है, लेकिन उसमें कुछ और लोगों को भी एड ऑन किया गया है, जैसे कि नरेश रावल, राजपाल यादव और अनन्या पांडे। अब चलते हैं मूवी की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी कुछ इस तरीके से कि जो कि कपल है अनन्या पांडे और आयुष्मान खुराना, और अनन्या पांडे के जो फादर हैं वो कह रहे हैं कि जब तक के लिए तुम पैसा नहीं कमा लेते हो, 30 लाख समथिंग कितना कुछ पैसा नहीं कमा लेते हो, तब तक के लिए तुम मेरी बेटी को भूल जाओ। अब वो लगे हुए कमाने में, तो कभी लड़के से लड़की बनते हैं, तो कभी डांस कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक बड़ा हाथ पड़ता है उनके हाथ में कि एक लड़का डिप्रेशन में है, उससे शादी कर लो तो उसको 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब वो उन चीज़ों में फंसता ही जा रहा है। तो तमाम कॉमेडी मिलेगी इसमें, तमाम तरीके का मसाला मिलने वाला है, लेकिन आगे चल कर के इशूज़ और क्रिएट होने लगते हैं। इनके जो फ्रेंड है उसके लिए भी ये काफ़ी कुछ उसकी हेल्प करने के चक्कर में भी फंस जाते हैं। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से आगे जा रही है। मूवी की स्टोरी की बात करी जाए तो एवरेज ही लगी मुझे, बहुत खास नहीं लगी। वन टाइम वॉच है, आप देख सकते हो। फर्स्ट वाली ड्रीम गर्ल के कंपैरिजन में ये मूवी मुझे 0 लगी है। और ओवरऑल बात करी जाए आर्टिस्टों के काम की, तो सभी ने अच्छा काम किया है और अनन्या पांडे ने भी ठीक ठाक काम किया है इस मूवी के अंदर। तो यार, इस मूवी को मैं दूंगा 2.5 स्टार, इससे ऊपर नहीं देने वाला हूँ। सो आप लोग बताइएगा, अगर आपने इस मूवी को देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू या रिएक्शन के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।